आप सभी मेरे पीछे बोलने के लिए प्रयास करिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, बोलिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरौ उपस्थ वेगम, वेगम एतान् वेगान् यो विषेत धीरः धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। और एक बार जो जो नहीं बोले हैं उनको रिक्वेस्ट है, प्लीज बोलिए, बहुत अद्भुत श्लोक है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषेत धीरः एतान् वेगान् यो विषेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। सर्वापि मां पृथ्वीम शिष्यात्। तो ये श्री रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ का रचना किए हैं। और इसका जो पहला श्लोक है बहुत विशेष है। क्या कहते हैं? कहते हैं, वह धीर व्यक्ति जो, वह धीर व्यक्ति जो वाणी की वेगों को, मन की वेगों को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों की वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। वापस ध्यान से देख लीजिएगा, जो वह धीर व्यक्ति जो वाणी की वेगों को, मन की मांगों को, क्रोध की वेगों को यानी क्रियाओं को तथा जीव उदर जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। वो शिष्य बना सकता है यानी वो गुरु बन सकता है। यहाँ पर एक गुरु का क्वालिफिकेशन बतलाया गया है, गुरु कौन बन सकता है कि नहीं? नॉर्मली हम अनेकों गुरुओं को बना लेते हैं, किसी को भी गुरु बनाते हैं, हमने जांचते नहीं है, परखते नहीं है। पन पहली बात है, हमें गुरु बनना नहीं है, ठीक है? ठीक है, हमें गुरु बनना नहीं है, पन धीर व्यक्ति बन सकते हैं। धीर व्यक्ति, धीर यानी जो सारे इंद्रियों को संयम किया उसको धीर कहते हैं। तो यहां पर बताया गया है, जो ये छह वेगों को, ये छह वेग हम लोगों को नरक ले जाता है। छह वेग कौन सा वेग? वाणी की वेग, वाचो वेगम यानी वाणी की वेग, वाचो वेगम मनसह मन की वेग, क्रोध क्रोध की वेग, वाणी की वेग, मन की वेग, क्रोध की वेग, और वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, जिह्वा जीवा बेगम उदर उपस्थ, उदर यानी पेट, उपस्थ यानी हमारा जननेन्द्रिया, सेक्स डिजायर्स। ये छह जो वेग हैं हमें क्या करते हैं? हाँ, पशु बना देते हैं, नरक ले जाते हैं। तो इसके ऊपर रूप गोस्वामी पाद इसको रचना किया, और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर, हमारे और भी आचार्य गण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसके ऊपर कमेंट्री किए हैं, तो हम इसको चर्चा करेंगे। मगर मेरा रिक्वेस्ट है, इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इसको इस भाव से हमको सीखनी है कि मुझे
मेरे लिए कहा गया है, मुझे सीखनी है। हमने हमने लास्ट क्लास में चर्चा किए थे सदाचार, यानी मैं कितना कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे, मैं कितना कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं कितना फॉलो कर पाऊंगी, मेरे लिए ही है, ठीक है। यही भाव से हमको सीखना है। तो छह वेग क्या क्या है पहले याद कर लीजिएगा। क्या क्या छह वेग हैं? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ठीक है। ये छह वेग हैं, ठीक है जी। आपको यहां पर एक स्लाइड दिखता होगा, सड़ वेग, इसको सड़ वेग कहा गया है। वाचो वेगम, मनसः वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये छह वेग है, ठीक है। और ये छह वेगों को, वेग समझ रहे हैं ना, वेग यानी क्या है प्रभु जी? बोलने के हैबिट्स, हैबिट्स में वेग यानी तेज, प्रभाव, प्रभाव, प्रभाव कह सकते हैं। जैसे पानी का वेग है यानी उसका प्रवाह है, वैसे ये छ का जो प्रवाह है, इसका जो वेग है, बहुत बहुत भयंकर है। तो इसको शिला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ये छह वेगों को जो सहन कर लेता है, सहन कर सकता है। मेन बात, हम सहन करने का हमारे पास क्षमता नहीं है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। अगर जीवा मांग करता है तो हम ये सहन नहीं कर पाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है अभी नहीं, वेट। अगर हम हमारा क्रोध का वेग जब प्रकट होते हैं तो हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली हम सभी इस छह रोग से पीड़ित हैं, छह रोग हमारे पास है, छह रोग है हमारे, ये छह, वाच वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये सारा हमको बीमारी लगा हुआ है। और इससे हमारा भक्ति के जीवन में डावाडोल हो जाती है कि नहीं? तो खैर, इसको श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत से उदाहरण लेते हैं परीक्षित महाराज जी का। कहते हैं भागवत की छठा स्कंद में परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं तो वो प्रायश्चित क्यों करते हैं जी? समझ आ रहा है प्रश्न क्या है? अगर व्यक्ति इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है तो प्रायश्चित का क्या फायदा है? क्या इसका अर्थ है हमने कोई मीन्स हमारे इंद्रियों द्वारा कोई पाप कर लिया है? पाप करने के बाद वापस उसका उस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करते हैं है? कोई कहते हैं ना, आप शनिश्वर पूजा कर लो, या आप क्या है वो गंगा में जाके डुबकी लगा के आ जाओ, या शनिवार को शनि महाप्रभु के पास चले जाओ, मंगलवार को हनुमान जी के पास चले जाओ, तो इत्यादि इत्यादि प्रायश्चित करते हैं। पर क्यों वापस प्रायश्चित के बाद तो वापस आके पाप करते हैं, हाँ वापस इंद्रियों के बस में आके वापस पाप करते, फिर प्रायश्चित किस बात के? मगर उदाहरण देते हैं, देखिए उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वो चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वो किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वो चोरी करता रहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देखो कितना बढ़िया दे रहे हैं। एक चोर, उसको पता है, चोर को क्या नहीं पता है कि भाई चोरी करने के बाद मुझे दंड भी मिलेगा अगर पकड़ में आ जाऊंगा तो? बोलते नहीं, वो इतना कॉन्फिडेंस पकड़ में नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है कि पकड़ में नहीं आएगा, मगर वो देखता भी है कि भाई मेरे साथ वाला चोर को पकड़ के लेके गए और खूब पीट रहे हैं, ये भी देखता है, फिर भी चोरी करता है, फिर भी चोरी करता है। हम लोग की कुछ कुछ आदतें हैं, हम जानते हैं ये गलत आदत है मेरा, सभी का वीक पॉइंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि हम सभी एकदम परफेक्ट हैं या एकदम प्योर हैं, हमारे सभी के अनेक अनेक वीक पॉइंट्स है, अनेक अनेक गलत आदतें हैं, और हम चाहते भी है उस आदत से बचने के लिए। जैसे सुबह जल्दी उठना,
हमारा आदत ही नहीं है सुबह जल्दी उठना, तो हम चाहते हैं उठने के लिए मगर नहीं उठ पाते हैं। हम चाहते हैं कि मुझे पता है कि सुबह उठने से अच्छा है, मेरा जप अच्छा हो जाएगा, ठाकुर जी का दर्शन हो जाएंगे, नहीं उठ पाते हैं। जैसे कुछ लोगों का चाय पीने का आदत है, पता है उनको, पता चल गया चाय पीना बुरी बात है, मगर फिर भी वो आदत नहीं छूट रही। झूठ बोलना, ये तो हम सबका तो ये लगता है कि जन्मजात ही त्रुटि है, ये इनबिल्ट त्रुटि है झूठ बोलना। यहाँ पर कितने लोग होंगे जो युधिष्ठिर महाराज जी जैसा सत्य बोलते हैं? वो छोटी है, हाथ उठा रही, यस आई एम। तो झूठ बोल देते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी बोल देते हैं, जहां जरूरत वहां तो बोलते ही है। तो ऐसे कई आदत है, इतना ही नहीं, किसी के बारे में निंदा करना, ये हमारा इनबिल्ड है, जन्मजात प्रॉब्लम है ये हमारा, निंदा करना दूसरों का, नहीं चाहते हो भी निंदा कर ही देते हैं। तो ये सारा चीज है ना भक्तों, हम करने के बाद फिर अरे 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 नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया। पर बोलते हैं, फिर नाम जपते हैं, अरे भगवान बचा लो, मैंने ये कर लिया मगर नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, वापस नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो प्रभुपाद इस बात को यहाँ पर सिखाते हैं हमको कि वो वापस चोरी करता है देखकर भी, सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वो देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान होता है ना वो तो सुनकर ही अनुभव कर लेता है। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान, कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान कौन है? सबसे फर्स्ट क्लास बुद्धिमान वो है जो करता ही नहीं है, और उससे थोड़ा कम बुद्धिमान क्या करता है, वो सुनने के बाद अच्छा अच्छा ऐसा है तो नहीं करना भाई। और एक व्यक्ति है जो सुनता भी है फिर भी करता है, देखता है फिर अच्छे पीटेंगे भाई, ये नहीं करना है, तीसरा वाला। और चौथा कैटेगरी का होता है जो देखता है, सुनता है, जानता है, फिर भी करता है, चौथा वाला। उसको फटकारने के बाद भी, मार खाने के बाद भी वापस करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़ जाने पर दंडित होता है, तो वो चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित भी हो ले तब जाकर वो सीख पाए कि चोरी नहीं करना है, किंतु जो मूर्ख ध्रुत है वो सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित कर भी ले, प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वो कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ है जी? परीक्षित महाराज जी इसी बात को पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उदाहरण कितना बढ़िया है, फिट बैठ जाएगा ये दिमाग में। जो एक तो व्यक्ति पढ़ के समझ जाता है, कोई सुन के समझ जाता है, कोई सुन के भी नहीं समझ पाते, देख के समझते हैं कि नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई देखने के बाद भी करता है तो उसको दंडित होता है, दंडित होने के बाद छोड़ देता है, नहीं यहाँ। और इसके ध्रुत और मूर्ख प्रभुपाद जी कहते हैं वो है जो सब मार पड़ने पर भी, दंडित होने पर भी वापस करता है। समझ में आ रहा है? वापस करता है। तो मूर्ख कैटेगरी है सबसे थर्ड क्लास वाला, कम बुद्धि, बुद्धि नहीं है उसके पास, तो कम बुद्धि भी निकाल। तो इस बात को परीक्षित जी भागवत में कहते हैं, दृष्ट श्रुत्वाभ्याम तत्पापम जानत्यप्यात् मनोहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चितम अथो कथम, और क्वचिन वर्तते भद्रात् क्वचिन चरति तत् पुनः प्रायश्चितो मत पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। क्या कहते हैं परीक्षित जी? कहते हैं एक हाथी कुंजर शौचवत, यानी हाथी की स्नान की बराबर है। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से किए हैं। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसा ही वो किनारे पर पहुंचता है ना, वो अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान का क्या लाभ हुआ है जी? हाथी का स्नान कभी देखा है आप लोगों ने?
डिस्कवरी में या और भी क्या आता है, डिस्कवरी में आता है ना एनिमल प्लैनेट्स, आता होगा ना टीवी में, तो इसमें दिखाते हैं कभी कभी हाथियों का। तो हाथी स्नान करता है और बढ़िया से स्नान करता है, फर्स्ट क्लास, कई घंटों तक तो स्नान करेगा, लगेगा कि भाई ये पूरा शुद्ध होके ही बाहर आएगा, पूरा शुद्ध होके बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आता है वापस धूल मिट्टी लेके अपने शरीर पर छिड़काता है। ये हाथी का क्या है, हाँ कुंजर सोच, हाथी का स्नान। तो कहते हैं भाई घंटों स्नान किया, फिर किस किसके लिए स्नान कर रहा था, जब धूल छिड़कना ही था तो फिर यार घंटों स्नान किसके लिए किया ये है कि नहीं। तो ऐसा है हाथी का स्नान, ऐसा है हाथी का स्नान। खैर हाथी का स्नान कोई देखा होगा उसको ना कुछ पल्ले पड़ेगा, यार जो देखा ही नहीं उसको पल्ले क्या पड़ेगा। भागवत को समझने के लिए गांव से होना जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो बार बार चबाना, हाँ तो इस प्रकार से है हाथी का स्नान कहा गया है। तो हाथी स्नान करके वापस धूल मिट्टी अपने ऊपर छिड़काता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऐसे स्नान का क्या लाभ होता है। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही साथ सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन सा नाम अपराध है, नामत बलात यस्य पाप है बुद्धि, नाम के बल पर पाप कर्म करना, सात नंबर है या आठ नंबर। नामत बलात यस्य पाप है बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना कि नाम बचा लेगा। मैं तो जपता हूं ना, मैं जप कर रहा हूं, अरे महामंत्र का फल पता है, जप करने से सारा जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। तो कि एक चाय कप का पाप नहीं नष्ट कर पाएगा वो, क्या झूठ बोलने से नहीं बच पाऊंगा क्या, नाम जपने से है? नाम के बल से पाप करते हैं, ये सोचते हैं कि नाम हमको बचा लेगा। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जाते हैं उनसे एक अपराध है नाम नो बलात् यस्य पापो बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं, वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करने करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों को फल से मुक्त हो जाएंगे। ज्यों ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वो पुनः ये सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। समझ में आ रहा है, ईसाई लोगों का भी उदाहरण दे दिया। एक तो हम हरे कृष्ण वाले को उदाहरण आ गया कि ये लोग नाम जपते हैं और पाप भी करते हैं, कहते हो जाएगा नाम हमको बचा देगा। वैसे ईसाई लोग जाते हैं पादरी के पास और अपना सारा कबूल कर लेते हैं कि मैंने ये पाप किया ये हफ्ते भर, तो ले ठीक है चलो आप मुक्त हैं आज से, हम आपका सारा पाप ले लेते हैं। बस जैसे ही संडे शुरू होता है वापस पाप शुरू करते हैं, क्योंकि ना शनिवार को वापस जाएंगे हम सब झाड़ देंगे वहां पर। समझ में आ रहा है, कुछ लोग ना साल में एक बार गंगा में जाके स्नान करना है, क्यों, साल भर जो पाप किया तो सारा धुल के लाना है, गंगा में स्नान करना है। तो वही ये सारा उदाहरण जो है ना भक्तों, हाथी के स्नान के बराबर है। किसके स्नान के बराबर है, हाथी के स्नान के बराबर है। तो आगे क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है कुछ, हाँ ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं पता है, आगे कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी ने जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे,
उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता है, अतएव असली प्रायश्चित हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सब लोग नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायश्चित, असली प्रायश्चित क्या है? असली प्रायश्चित हमारी सुप्त यानी सोया हुआ कृष्ण भावनामृत को जागरूक करना, बस यही असली प्रायश्चित है, यही असली प्रायश्चित है। बाकी एक यहां पर और मुख्य पॉइंट है, पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। कोई ये सोच ले मैं पाप को पुण्य से मिटा दूंगा, संभव ही नहीं है। इसको समझना जरूरी है सभी भक्तों को। पाप पुण्य का फल अलग अलग है। पाप का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख। कोई भी पुण्य करके पाप को नहीं काट सकता है, समझ में आ रहा है? पुण्य का फल उसको भुगतना ही है, पाप का फल भी भुगतेगा। मान लो 50% पाप किया, 50% पुण्य किया, तो 50% नरक जाएगा, 50% स्वर्ग जाएगा। क्यों? बोलेगा एक काम करो ना, 50-50 कैंसिल कर दो ना, जीरो करके भगवत धाम भेज दो, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। पाप अलग भुगतनी है, पुण्य को अलग भुगतनी है, ऐसे बात है। और कर्म ऐसा है भक्तों, इतना सूक्ष्म है ना कर्म का जो जंजीर, कर्म का जंजीर। अब कहीं जन्म पहले कोई किया होगा ना, उसको इस जन्म में मिलता है। एक बार कर दिया ना, वो पक्का आपको मिलना है, मिलेगा तो है, मिलेगा तो है, आज नहीं तो कल, मिलना ही मिलना है। भीष्म पितामह बेचारे क्या किए थे? भीष्म पितामह पिछले जन्म में बच्चा, छोटे बच्चे थे और क्या किए थे पता है? एक कीड़ा के अंदर एक तिनका, तिनका को इस पार से उस पार कर दिए थे। बच्चे 2-3 साल के बच्चे को क्या पता है? 2-3 साल के बच्चे को क्या पता है? तो बस खेलते खेलते वो कीड़ा के अंदर वो तिनका कर दिए, तो उनको भी सजा भुगतनी पड़ी। उनके शरीर में पूरा शरीर भर बाणों से, उनको बाणों की सजा में सोना पड़ा। अब बताइए छोटा सा। और दूसरी बात है, शास्त्र के अनुसार 5 साल के से छोटे किया हुआ पाप गिनती में नहीं है। 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो अगर कोई पाप करते हैं तो उसको गिनती में नहीं लाया जाता, 5 साल के ऊपर वाले को गिनती। भीष्म पितामह उसके नीचे थे, 5 साल से छोटे थे, इसके लिए तो जाके उनको यमराज जी को ही श्राप दे दिए, आपने गलत किया है, मैंने तो छोटा बच्चा था तब हमने कुछ कर दिया, उसको भी आपने नोट डाउन करके। तो यमराज जी बोले कि हो ना हो भुगतना तो पड़ेगा, भले ही आप छोटे बच्चे क्यों ना हो। तो इस प्रकार से यह सिलसिला है। एक उदाहरण हम देते हैं, धृतराष्ट्र जी महाराज जी का 100 पुत्रों का जब बद्ध हो गए, तो भाई 100 जन्म तो कमाने कुछ किया नहीं, कैसे हमारा 6 पुत्र मरेंगे? तो 100 जन्म से पहले कोई एक पक्षी की 100 बच्चों को मार दिए थे उन्होंने, कोई पक्षी का 6 बच्चों को मार दिए थे, तो उसका फल 100 जन्म के बाद मिला। क्यों 100 जन्म के बाद क्यों? बोले भाई 100 बच्चों को मारा तो इनका भी 100 बच्चे होना चाहिए ना, तब उनको कर्म का फल मिलेगा। तो 100 बच्चे 100 पुत्र के लिए 100 जन्म तो पुण्य करना पड़ा इनको। एक बेटा के लिए कहीं कोई पुण्य करना पड़ता है, तब एक बेटा होता है। 100 बेटे तो कितना पुण्य चाहिए उसको, 100 जन्म तो पुण्य किया तो उनको 100 बेटे हुए, फिर जाके उनको वो कर्म का फल 100 का 100 खत्म मारे दिए गए। ये कर्म का सिलसिला ऐसे है भक्तों। तो कोई भी ये ना सोचिए मैं पुण्य कर रहा हूं तो मेरा ये माफ हो जाएगी, ना। हाँ, भक्ति ऐसा है जैसे यहां पर कहा गया ना, असली प्रायश्चित क्या है? अपना सोया हुआ कृष्ण भक्ति को वापस जागृत करना, जगानी है।
जीव जागो जीव जागो गौरा चंद बोले कत निद्रा है ना। बढ़िया भजन, कितना सुंदर भजन है। जीव जागो जीव जागो, तो जागनी है, जागरा मीन्स क्या है? तो बोलेगी ये प्रभु जी ये भजन सिर्फ सुबह गाना चाहिए, सोए रहते हैं तभी लगाना चाहिए। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, है कि नहीं? ये सिर्फ सुबह सुबह का भजन है, शाम को क्या करना है इसको? नहीं, यहां कहा गया जीव जागो, यानी भाई आपके सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाओ। कब तक सोए रहोगे माया की को गोद में? हम सोए नहीं है फिर भी सोए हैं। अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो सोया हुआ है, और सोया हुआ व्यक्ति को मरा हुआ भक्ति के समान कहा गया है। यानी चलता फिरता मुर्दा है हम लोग। अगर कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया है, चलता फिरता मुर्दा है, चल रहा है फिर रहा है ये मुर्दा, ऐसी बात है। तो असली प्रायश्चित है भक्तों, अपना सुप्त कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत करना। या पुनः जागृत करना को क्यों कहा गया है? यानी पहले जगा हुआ था 100%। हर एक जीव पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान का अंश होने के नाते वो कृष्ण के ही सेवा में थे। कहीं ना कहीं स्वेच्छा से अपना खुद केंद्रीय भोग के लिए जब प्रयास किए, तब कृष्ण से बिछड़कर संसार में आके माया की गोद में क्या किए? गिरे। स्थिति है। तो इसके लिए क्या है? कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रोग को ले, कब तक सोएंगे, जग जाइए। तो यहां पर इस बात को कहते हैं कि अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगानी है, है कि नहीं? आगे कहते हैं असली प्रयास पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता है। सही बात है, जो स्वच्छ रहता है वो बीमार नहीं पड़ता है, जो गंदा रहता है ना हमेशा बीमार ही रहेगा। जो स्नान नहीं करता है, कपड़ा धोता नहीं है, थड़ एकदम गंदा व्यक्ति है, ब्रश नहीं करता है, स्नान नहीं करता है, कपड़े नहीं धोते हैं, और ठंडियों में कोई नहीं करता है ये सारा चीज, ठंडी में सब बचते हैं इससे, स्नान करने में बचते हैं, कपड़ा कौन धोए इतना ठंड में, वो गंदे नंबर वन है। और क्या, और बीमार भी पड़ेंगे, वो बीमार भी ज्यादा पड़ेंगे। बिना स्नान करके कौन कौन व्यक्ति स्वस्थ रह पाता है? नहीं रह पाते, बीमार रहेंगे। तो यहां पर कहते हैं कोई नियमित रूप से अगर स्वच्छ रहने का प्रक्रिया को पालन करता है तो वो बीमार नहीं पड़ता है। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनः जागरण करने के निमित्त होता है। ये मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है बताया गया है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मूल ज्ञान को पुनः जागृत करना है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है, और इसी को तपस्या कहा गया है। समझ में आ रहा है? तपस्या क्या, तपस्या का अर्थ क्या है? जो असली ज्ञान है, मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान अर्थ जो भगवान ने कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए थे, वो ज्ञान परंपरा के द्वारा हमारे तक पहुंचा है, वो मूल ज्ञान को समझनी है कि नहीं? और यही तपस्या है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह दान सत्य शुद्धि तथा योग योगाभ्यास का योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर पर उठ सकता है। किंतु यदि कोई
इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि विधान विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न न कर रहकर कर सकता है। अद्भुत बात कहा गया है। क्या कहा गया है? कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, मन निग्रह करके, इंद्र निग्रह करके, दान दे के, सत्य बात बोल के, शुद्धि रह कर, योगा योगासन करके, ये सारा अभ्यास धीरे धीरे करके असली ज्ञान तक तो पहुंचता है। ठीक है, इतना करोगे तो आप असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मगर कहते हैं इतना ना करके सिर्फ वो कोई शुद्ध भक्तों की संगति कर ले। क्या करे? शुद्ध भक्तों की संगति कर ले तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। जो ज्ञान ब्रह्मचारी व्रत करके, दान देके, तपस्या करके, इंद्र निग्रह करके, सत्य कह के, शुद्धता रहकर, पवित्रता रहकर मिलता है, वो सिर्फ क्या करके? भक्तों की संगति से मिल जाएगा। लिफ्ट एक होता है, सीढ़ी में चढ़ के जाओ, और एक लिफ्ट होता है। लिफ्ट में जाके ज्यादा मेहनत थोड़ी होता है। आप स्टेशनों में जाएंगे तो आजकल वो चलने वाला सीढ़ियां आ गया, आप देखा स्टेशन में एलिवेटर्स ना, एक्सेलेटर ऐसे बोलते हैं ना वो, तो उसमें बस जाके खड़ा होना है आपको, बस आप ऊपर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो शुद्ध भक्त है वो, शुद्ध भक्ति है, बिना मेहनत का ऊपर पहुंच जाओगे। और एक सीढ़ी में सामान खूब हो और उठा उठा के ले जाओ, तो कौन सा है? वो योगाभ्यास करना है, वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, वो तपस्या करना है, वो दान देनी है, ये करना है, वो करना है, ये सर। आप लोग को कौन सा सीढ़ी में जाना है या लिफ्ट चाहिए, आप लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु की निर्देशन में। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है जी। अवैध मैथुन से दूर रहना है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये चार ही चीज है नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये चार चीज नहीं करनी है। अवैध मैथुन नहीं करनी है, मांस भक्षण नहीं करना है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये चार चीज नहीं करनी है। और ये चार चीजों को ही यहां पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं? पहला, वाणी की वेगों के ऊपर चर्चा हो रही है। वाचो वेगम, वाणी का वेग, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया? प्रायश्चित, असली प्रायश्चित क्या है? प्रभुपाद जी ने प्रायश्चित का दो उदाहरण दिया। कितना उदाहरण दिए? दो दिए कि तीन दिया? दो दिए कि तीन दिए? दो दिए ना। दो उदाहरण दिए, ठीक है? एक तो हाथी का स्नान का है, एक चोर का उदाहरण दिए, ठीक है ना? एक चोर का उदाहरण दिए और अंतिम में असली प्रायश्चित कहते हैं कि अपना सुप्त। असली प्रायश्चित का अर्थ प्रभुपाद के सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना और मूल ज्ञान को पुनः प्राप्त करना। दो चीज बोले हैं प्रभुपाद, मूल ज्ञान को पुनः प्राप्त करना और सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो होमवर्क क्या आप लोगों का पता है? होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? ये प्रायश्चित का ये दो उदाहरण छोड़कर बाकी तीन उदाहरण लिखना है आपको। कितना? तीन। और किसी का किसी के साथ मेल नहीं खाना चाहिए आप में से। अगर निहारी का कोई उदाहरण लिखिए तो लक्षिता के साथ मेल नहीं खाना चाहिए उदाहरण। समझ में आ रहा है? जैसे हाथी का और चोर का दिए, वैसे आपको तीन उदाहरण और देनी है प्रायश्चित का। कौन सा? डुप्लीकेट प्रायश्चित का। असली प्रायश्चित तो है ही नहीं वो वाला।
तीन उदाहरण लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्लास वापस मंगलवार को ही होगा, आज मैं जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूँ, आईडीसी क्लास है कुछ लोगों का यहाँ पर, तो आईडीसी जाने वाले हैं, तो इसलिए हम जल्दी खत्म कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास से हम ये अभी प्रारंभ हुई नहीं है, बादशाह बेगम प्रारंभ हुई नहीं है, अभी चर्चा का विषय है, तो नेक्स्ट क्लास से उसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई